कुछ भी बोल, बंदी बड़ी टाइट है यार। पर इस चूतिया से कैसे पट गई वे? कड़क तो है भाई, जो भी बोलो। पर छोड़ ना यार सैंडी की, बाप भी है हमारी और भाभी ना मां समान होती है। अबे वो पागल, भाभी होती तो मां समान होती ना। अबे उसकी आइटम है, अपने लिए माल है माल, समझे? तू साले ठहर की, तू नहीं सुधरेगा ना। एक बात बता, थोड़ी देर पहले लड़की ढूंढ रहा था ना, कीर्तन करना था उसके साथ तुझे होसड़ी के। समझ गया भाई, तू ना जी भर के ताड़ ले ताड़। और उसके बाद मुकेश अंकल का इंटरनेट तो है ही, लगे रहना बाथरूम में। तेरा नाम लिया तुझे याद किया, तेरा नाम लिया तुझे याद किया, तेरा नाम लिया तुझे। रोहित तैयार हो जा बेटा, छोड़ ना यार, जाने दे उसकी है, इंजॉय करने दे बच्चे को, छोड़। मैं कब मना कर रहा हूं, हम 15 मिनट बाद एंट्री मारेंगे। जाने दे, उसका पर्सनल मामला है, काहे पीछे पड़ा हुआ है। कौन सी पर्सनल है बे? हाँ, जब मैं लड़कियां लाता था हम सब मिलकर बजाते थे, मैंने तो कभी नहीं बोला मेरी पर्सनल है। बोल, तू समझता क्यों नहीं है, सैंडी अपना भाई है। अबे यार, ये पर्सनल वर्सनल कुछ नहीं होता है, समझा? मिल बांट के खाने में बरकत है। हाँ, तू थोड़ी देर पहले कह रहा था ना यार, बंदी बॉम्ब है। और मुझे ही ध्यान दे रहा है। अबे वो तो ऐसे ही मजाक किया था बे। और वैसे भी तुझे किस बात की कमी है, तू तो जिसे चाहेगा जो चाहेगा मिल जाएगी तुझे। देख, जब मिलेगी अब तो तब मिलेगी। अच्छा सुन, हम एक काम करते हैं, सैंडी को आधे घंटे के लिए बाहर भेज देते हैं, तब तक हम दोनों का भी काम हो जाएगा, क्या बोलते हैं? तुझे क्या लगता, सैंडी अपनी गर्लफ्रेंड को तेरे लिए आधे घंटे छोड़ के जाएगा तो? तू ना, तू डेस्पो मत बन, उसे पता है तू कितना बड़ा ठरकी है। कुआं खोदने में साला टाइम नहीं लगाएगा तू।
तू कहाँ चल रहा? कहाँ जा रहा? ओए किसको फोन कर रहा था? I am a despo hunter. अबे फोन किसको कर रहा है? हेलो हेलो अंकल. कौन? मैं सन्नी बोल रहा हूँ. हाँ बोलो. वो प्लीज सैंडी से बात करा देंगे? वो मुझे कुछ जरूरी बात करनी थी उससे. सन्नी बेटा, सैंडी तो घर पे नहीं है, वो तो कहीं पार्टी करने गया है. वो अच्छा वो अंकल, मैं सुबह से फोन ट्राई कर रहा था पर उससे बात नहीं हो पा रही थी. क्यों, क्या हुआ? वो एक्चुअली अंकल, आज हमारा रिजल्ट आया था तो उसके बारे में ही बताना था. आज रिजल्ट आया था? उसने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं. जी अंकल जी, वो शायद ना वो फेल हो गया. इस डर से नहीं बताया अंकल, प्लीज उसको कुछ बोलना मत वरना वो मुझ पे गुस्सा करेगा, प्लीज अंकल. अच्छा, वो फेल हो गया है, ऊपर से पार्टी कर रहा है. मैं अभी उससे बात जी, करता हूँ. जी, 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 नमस्ते अंकल जी. अब देख. पापा का फोन? हाँ पापा. कहाँ हो तुम? बस यही बगल में था. जल्दी यहाँ आओ. अभी? हाँ अभी. क्यों, अभी तक पार्टी खत्म नहीं हुई? ठीक है पापा, मैं अभी आता हूँ. क्या हुआ? यार पापा बुला रहे हैं. अभी? हाँ यार, पता नहीं क्या हो गया अचानक. मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ. क्या यार, जल्दी आना. लव यू टू. तब तक तुम कुछ डिनर ऑर्डर कर लो. चल बाय. बाय. चल अब. Now it's our turn. अबे साले, लेकिन तूने ये ठीक नहीं किया. अबे हो संस्कार टीवी, अबे चल ना. मीशा हमारा वेट कर रही है. अबे अबे वो हमारा वेट नहीं कर रही यार, सैंडी का वेट कर रही है. देख मेरे सामने नई नवेली दुल्हन की तरह नाटक मत किया कर, समझा? चल. पर सुन यार, छोड़ना, नहीं जाते हैं, जाने देते हैं. अबे सैंडी हमारा दोस्त है, कल तक मैं तुम दोनों को एंजॉय कराता था ना, आज उसने मीशा को बुला लिया तो क्या हो गया भाई? अबे मैं जानता हूँ, हमारा दोस्त है वो, बुरा नहीं मानेगा वो. वैसे भी वो मीशा कौन सी वर्जिन होगी बे. चल ना. पर सनी छोड़ ना यार, जाने देते. देख तेरे नाटक बहुत होते हैं, मैं बोल रहा हूँ ना, चल, इसका मतलब चल, समझा? चल, नाटक बहुत करता है तू. अरे भाई लेकिन चल ना, छोड़. चल, मेरे लिए चल. बट आई थिंक मुझे नहीं लगता कि ये ठीक होगा यार. अरे यार चलना यार, मैं देख लूंगा सब. ट्रस्ट नहीं है या नहीं, बोल रहा हूं ना. सुन ना, छोड़ दे यार, चल. अरे
सनी, रोहित। हाय सैंडी, कहाँ? सैंडी घर गया, उसके पापा का फोन आया था। ओ ओके, कैन वी कम इनसाइड? हाँ प्लीज कम इन। नाइस रूम। ओ थैंक यू। वैसे सैंडी की चॉइस को मानना पड़ेगा। आप लोग कुछ लेंगे? या व्हाई नॉट, व्हाई नॉट सम ड्रिंक्स? या श्योर, लेट मी ऑर्डर। हाँ मिशा, तुम सैंडी को कैसे जानती हो? Actually, we met on a dating site. That's cool, हाँ? वैसे एक बात बताऊं? मैं और रोहित सैंडी से जल रहे हैं। I agree with you, मिशा। Thank you. Thank you. Cheers. To dance with me, please. Please. Yeah.
कुछ नहीं यार, सर घूम रहा है। Do you want to eat something? नहीं यार, सैंडी को आने दे ना, then I'll order something. यार, come on. सनी क्या कर रहा है यार? Relax. सनी, तुमने ना ज़्यादा ड्रिंक कर ली है, तुम्हें घर जाना चाहिए। सनी बस यार, छोड़ यार। सनी नहीं। Relax. रोहित, अभी तो उसको संभालो यार। Relax, relax. सनी सनी यार छोड़ना है। छोड़ यार सनी। छोड़ यहाँ से चल, प्लीज। रिलैक्स। चल ना यार, छोड़ना। सनी, छोड़ यार, बात को आगे मत। सनी, बस यार, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। बस कर सनी यार, सनी बहुत हो गया, चल 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 ना यार, चल यार जाने दे। Did you see Rohit? She slapped me. हाँ यार, छोड़ यार छोड़, चल। सुन, तुझे मैं बताऊँ। बड़ी सती सब तेरा, तुम्हें क्या कर रहा है तू? मिशा, 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 उठो मिशा। मिशा, 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 अबे चुतिया, इसकी सांस क्यों नहीं चल रही है? क्या? मिशा उठो, मिशा, मिशा। बैंचोद मर चुकी है वो। अबे नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? उठो यार। मैं तो बस मिशा, हे मिशा, डोंट प्ले विद मी यू बिच, कम ऑन उठ, हे उठ ना। इट वाज जस्ट सेक्स यार, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो बस। अबे यार, वो सिर्फ सेक्स नहीं था, रेप और मर्डर था मादर चोद। क्या जरूरत थी गला दबाने की उसकी? बोला
था कि मर जाएगी। वो तो मैं उसे चुप कराने के लिए। ये क्या हो गया यार? बोला था तुझे, सुना नहीं मेरी बात को ना? उतर गया भूत सर से, चल ले ना। आ ले 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 ले, कुछ नहीं बोलेगी अबे, कुछ नहीं बोलेगी। आ क्यों नहीं ले रहा बे? अरे कैसे हो गया यार, गलती हो गई यार। देख चूतिया, लेने की तुझे पड़ी थी, अब तू झेल। मुझे कुछ नहीं पता यार, मैं जा रहा हूँ। ऐसी हालत में तो अकेले छोड़ के मत जा यार। देख सनी, ये पूरा तेरा प्लान था, अब तूने इसको मारा है। अब जो करना है जैसे करना है तू कर, मैं इस लफड़े से दूर रहता हूँ यार। मुझे दूर रहने दे यार, प्लीज। मैं मुझे नहीं पता क्या हो गया था यार, मेरे सर पे गुस्सा सवार हो गया था, मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। वो क्या गाना गाता था तू? आई एम ए डेस्पो हंटर, आई एम ए डेस्पो हंटर गाना चल गा। नहीं नहीं, मैं अभी तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ, चल गा गाना। आई एम सॉरी यार सन्नी, आई एम सॉरी। इस मामले में तेरे साथ नहीं हूँ, आगे क्या करना है तू खुद ही सोच ले भाई, मैं जा रहा हूँ। रुक जाना यार, यहाँ एक डेड बॉडी पड़ी है, मैं मुसीबत में हूँ, तू ऐसे हाल में मुझे अकेला छोड़ के जा रहा है, ये है तेरी दोस्ती? सॉरी यार, मुझे जाने दे, यहाँ रहूंगा मैं फंस जाऊंगा और तेरे चक्कर में मेरी फैमिली सफर करेगी यार। साले मैं तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगा, यहाँ से बच के जाएंगे तो दोनों और जेल जाएंगे तो भी दोनों, समझा? बाहर में जा तू, मुझे तुझसे ज्यादा खुद की परवाह है, हट। नहीं रोहित, रुक जा, इसे ठिकाने लगा के हम दोनों यहाँ से जाएंगे। चल गया तो हमारी मां बहन कर देगा यार। रिलैक्स रिलैक्स, तू रुक कर यार, कुछ मैं देखता हूं, रिलैक्स। सैंडी, तुम यहां पे क्या कर रहे हो? दे, अच्छा अब समझा, तूने मेरे पापा को फोन क्यों किया था? वो मैं कुछ बोल, तेरी क्या बात सुनो? बात तो सुन। क्या भाई रोहित? मिशा, मिशा अभी क्या हुआ इसे? सॉरी यार, वो अबे इसकी सांस क्यों नहीं चल रही है? सैंडी सॉरी यार, सैंडी ये मर चुकी है यार। सैंडी अबे भोसड़ी की, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं यार, यार अभी नहीं यार, रुकना। सैंडी सॉरी यार, मैं बोल रहा हूँ ना। सॉरी कैसी की तैसी चूती है तुझे तो मैं, अरे यार पागल हो गया तू? जितना मारना है मार ले, जितनी गाली देनी है दे ले, पर मुझे माफ कर दे यार। साला मेरी गर्लफ्रेंड को मारकर मुझे से माफी मांग रहा है मदर चोद, तू साला जेल में ही सही। अबे रुक जाना यार, रुक ना भाई। देख यार, ये लड़ने का वक्त नहीं है यार, पहले ये सोच कि इस प्रॉब्लम से कैसे बचे यार। अबे कुछ भी हो जाए मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं साले यार। संडी ज्यादा हो रहा अभी, मैं बोल रहा हूँ ना, जानबूझ के नहीं, गलती से हुआ ये सब। मैं अच्छे से जानता हूँ तुझे चूती है, तो अपने बाप के दम पर उछल रहे ना, अब देखता हूँ तेरा बाप तुझे कैसे बचाता है। अरे यार सैंडी, तू रुक जाना यार, सुन मेरी बात को, वरना हम सब लोग फंस जाएंगे यार। देख सैंडी, मैं माँ कसम खा के बोल रहा हूँ, मैंने जानबूझ के नहीं किया, मुझे नहीं पता कैसे हो गया ये सब। मैं तो बस देख, मैं तेरा दोस्त हूँ यार, मुझे माफ कर दे, मैं जेल नहीं जाना चाहता यार, प्लीज। अरे भाड़ में गई दोस्ती चूती है, तेरे जैसे आदमी के पास ना तो खुद की माँ बहन भी सेफ नहीं है। सैंडी फैमिली पे मत जा, रोहित समझा दे इसे। क्या भाई क्या समझाएगा बता, क्या समझाएगा? तू क्या मेरी मिशा लगा रखा है बे? जब मैं लड़के लाता था मैंने तो नहीं बोला मेरी पर्सनल है, समझा? तो
मुझसे पहले चढ़ता था ना तुम पे। ए, कोई अरे भाई गर्लफ्रेंड थी मेरी समझा। ओह सही कह भाई, ये वही पुरानी वाली बात हो गई ना, मतलब तू करे तो प्यार और हम करे तो बलात्कार, मतलब तू इस दो कोड़ी की रंडी के लिए मुझे जेल भेजे। अरे रुक जा यार, तू क्यों मार रही है, रंडी होगा तेरा खाना। ए क्या भाई समझा दे इसे भाई, समझ क्या 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 मारेगा ये ना, वही भेज दूँ क्या करेगा, मारेगा मारेगा मारना मारना साले मारना मारना साले। ए रोहित उठा ना इसे, सैंडी उठ, सैंडी उठ, सैंडी उठ ना, ले पानी पी। हुआ कैसे सैंडी? अबे 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 इसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, मैं तो मर जाएगा, अबे जल्दी हॉस्पिटल लेके चल इसको। अच्छा लेकिन इसे ऐसी हालत में लेकर कैसे जाएंगे भैया, रिसेप्शन पे पता चल जाएगा, ऊपर से मिशा की डेड बॉडी भी। देख सन्नी तेरी चुतिया पे बहुत हो गए, मैं सैंडी को इस हालत में मरते हुए नहीं देख सकता। रोहित समझा कर, मैं भी इसे हॉस्पिटल लेके जाना चाहता हूँ, सैंडी मेरा भी दोस्त है, लेकिन मैं इसे ऐसी हालत में लेके गया मैं फंस जाऊंगा, मैं जेल नहीं जाना चाहता हूँ। साले चुतिये, ये सब तुझे करने से पहले सोचना चाहिए था ना। देख सनी, सैंडी के पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैं इसे हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ, तुझे जो करना है तू कर, अब ये तेरे ऊपर। रोहित मेरी बात सुन, तू मुझे दो मिनट दे, मैं गाड़ी से एक बैग लेकर आता हूँ, हम इसे उसमें भर के हॉस्पिटल ले जाएंगे, फिर किसी को पता भी नहीं चलेगा, और फिर मैं देखता हूँ ना मिशा का क्या करना है। एक जिंदा आदमी को बैग में लेकर जाएगा? अबे चूतिये होश में है तू, क्या बोल रहा है? रोहित तू तू सैंडी के पास रुक, मैं बस आया। तू रुक, मैं देखता हूं। गुड इवनिंग सर। सर वो फोन पे कुछ आवाजें आ रही थी, एवरीथिंग इज ओके ना सर? यहाँ सब कुछ ठीक है, ऐसे आके परेशान करने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, कुछ चाहिए होगा हम बुला लेंगे आपको। मैं तो ऐसे ही आ गया था सर। सर लेकिन वो रोहित, हाँ उसे हम पे शक हो गया, वो फिर आएगा। एक काम करते हैं, सबसे पहले रूम जैसा था तू उसे वैसा कर दे। मैं गाड़ी से बैग लेकर। अबे सुन, अबे कहां जा रहा, रुकना।
हे हाय व्हाट अ सरप्राइज तुम यहाँ क्या कर रहे हो कुछ नहीं बस अपने फ्रेंड्स के साथ आया था पर तुम तो अकेले हो बाकी सब लोग कहाँ हैं हाँ वो मेरा ऊपर वेट कर रहे हैं और कुछ नहीं बस दैट्स ग्रेट लेट्स मीट देम वैसे भी काफी दिन हो गए मुझे सैंडी और रोहित से मिले हुए अरे नहीं यार वो हम लोग ऊपर कुछ कर रहे हैं किसी और दिन मिलते हैं हाँ दैट्स फाइन व्हाटएवर यू गाइस आर डूइंग आई कैन जॉइन यू अरे नहीं यार हमारे साथ कोई और भी आया है और तुम उन्हें जानती नहीं हो तुम्हें अनकंफर्टेबल होगा किसी और दिन मिलते हैं ना प्लीज हाँ तुम कब से मेरी कंफर्टनेस की परवाह करने लगे सनी हुँ? तुम लोग किसी लड़की के साथ आए हो ना अरे नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है माया मैं वैसे ही बहुत टेंशन में हूँ यार हम ना कल मिलते हैं पक्का हाँ अरे सनी सुनो तो सही भेजा फिर क्या तेरा झाटू ये क्या किया अभी तूने हाँ क्या किया अबे सैंडी हमारा दोस्त था अभी भोसड़ी के मादरचोद उसको भी नहीं छोड़ा तूने देख सनी मुझे तेरे इन लफड़ों में नहीं पड़ना भाई मैं जा रहा हूँ मुझे पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना मुझे जाने दे रुक जा यार ऐसी हालत में तो छोड़कर मत जा मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई यार मैं भी जेल के चक्करों में नहीं पड़ना चाहता यार रुक जा मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल दूंगा अबे देख तुझे पुलिस के चक्कर में पड़ना है खुद को बचाना है जो करना है तू कर मैं चल रहा हूँ भाई मुझे मत रुक जा यार सुन हम इन दोनों लाशों को ठिकाने लगा देंगे किसी को पता नहीं चलेगा तो तू कर मैं चल रहा हूँ रुक तू ऐसे नहीं जा सकता हा? अगर मैं जेल गया तो तुझे साथ लेकर जाऊंगा क्या क्या बोला भोसड़ी के यहां आके मिशा को बचाने का आइडिया तेरा आइडिया नहीं चुतियापा था मादरचोद मारा भी तू नहीं हमारे दोस्त सैंडी को भी मार दिया मादरचोद और तुझे लगता है कि इन सब के लिए पुलिस मुझे पकड़े हाँ। ये दोनों मर्डर मैंने किए तू और मैं जानते हैं पुलिस नहीं और साले तू इन दोनों मर्डर के वक्त यहीं पे था ना मादरचोद देख रोहित बात समझ ना मैं खुद को कुछ होने दूंगा और ना तुझे चल इनकी लाश को ठिकाने लगाते हैं फिर यहां से निकलते हैं रोहित
हेल्प कर, ये उठ नहीं रही है मुझसे। अबे जल्दी आना साले, अकेले तूने इसकी ले ली, तभी संभली तेरे से। साले अकेले तूने इसे मारा, तभी तकलीफ नहीं हुई। अभी से ठिकाने लगाना है तो सहारा चाहिए। गांडू हेल्प कर, तैयार हो जा गांडू, जाएगा कौड़ी के भाव में पकड़। सबसे पहले हमें सैंडी की लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूं, इसकी बॉडी को बैग में भरता हूं, ठीक है? कोई भी आए, किसी को अंदर मत आने देना। मैं इसकी बॉडी को ठिकाने लगा के आता हूं, फिर मिशा की बॉडी के साथ हम दोनों यहां से निकल जाएंगे। वहां मुझसे कोई चलाकी नहीं, समझा? मुझे पता है मुझे क्या करना है।
अरे सर कहां जा रहे हैं आप? डिनर पहुंचवा दिया सर आपके रूम में।
आप लोग? ये रूम किसके नाम पर है? जी जी मेरे दोस्त के नाम पर है। क्यों, वो कहाँ है? अरे अरे सर, यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ क्या देख रहे हैं आप? एक्चुअली हम रूटीन चेक कर रहे हैं। अरे क्या देख रहे हैं सर, कुछ भी नहीं यहाँ पे। प्रॉब्लम हुआ तो बुला लूंगा ना सर, अब फोन तो है ना सर, कर लूंगा कॉल। अरे सॉरी, कहाँ जा रहे हैं आप? कुछ भी नहीं है वहां, चेक तो करना पड़ेगा सर, रेपुटेशन का सवाल है। पर सर सुनिए, सॉरी मैम, सॉरी सर, मैडम अंदर नहा रही है, आपको बताना चाहिए। जी मैं तो ठीक से देखा था कि वो लड़की वहाँ बाथरूम में जिंदा थी? सर वो लड़की जिंदा थी, क्योंकि बाथरूम का दरवाजा जैसे ही मैंने खोला, उस लड़की ने अपनी खुली आंखों से मुझे देखा था। एंड सर वो रोहित का चेहरा देखा था आपने? कितनी घबराहट थी उसके फेस पे, कितना डरा हुआ था वो। वो तो मैंने देखा था, बट कोई भी लड़का ना जब लड़की को होटल लेके आता है ना, तो एक नेचुरल सी घबराहट होती है उसके चेहरे। नहीं सर, वो रूम किसी एक के नाम पे अलॉट है, लेकिन उसमें रह रहे 3 से 4 लोग। सर कुछ तो गड़बड़ है सर। ओके डू वन थिंग, उन लोगों को नीचे बुलाओ और गेस्ट बुक में एंट्री करवाओ। ओके सर। सर एक बात और मुझे समझ में नहीं आई सर, कि वो लड़का जिसके नाम पे रूम अलॉट है, वो लड़का शिफ्ट होने के बाद कुछ देर के लिए बाहर चला गया था, फिर वो वापस आ गया, और इस बार वो बाहर गया ही नहीं, लेकिन अभी हमने पूछा तो वो क्या बोला कि वो रूम से बाहर था, मतलब होटल से बाहर था। यही समझ में नहीं आ रहा है सर, कुछ तो गड़बड़ है। तुम्हें पक्का यकीन है कि वो लड़का रूम से बाहर नहीं गया था? हाँ सर, क्योंकि मैं तो वहीं था। तुमने पब में चेक किया? सर पब तो कब का बंद हो चुका है, और सर मैं तो वहीं था, और अगर वो बाहर जाता तो मैं उसे जरूर देखता। हाँ लेकिन वो जो दूसरा वाला लड़का है, उसका 1-2 बार आना जाना हुआ था। तुम एक काम करो सर, बस उन पर नजर रखो। ठीक है सर। सर वो पुलिस को इन्फॉर्म कर दे सर। फॉर व्हाट? अरे कोई पक्की खबर भी तो होनी चाहिए। तुम सिर्फ अभी उन पर नजर रखो, और कुछ पता चले तो मुझे बताओ, ठीक है? ठीक है सर। प्लीज हेल्प मी, रोहित, रोहित, Oh, my God.
बचाओ मुझे प्लीज, बचाओ प्लीज, बचाओ प्लीज, बचाओ। सर एक मिनट के लिए आपको रिसेप्शन पे आना पड़ेगा। क्यों? आपको गेस्ट बुक में आकर एंट्री करनी पड़ेगी। क्या हो गया? नहीं सर, मैनेजर का स्ट्रिक्ट ऑर्डर है। ठीक है, आता हूं। यस सर। एंट्री कर दीजिए। सनी, इन्होंने कहा कि गेस्ट बुक में एंट्री करनी पड़ेगी, इसलिए आया यार। ऊपर चल। सनी, क्या यहां से भागने की कोशिश कर रहा है? यार वो लड़की जिंदा है। अच्छा, तभी तू मुझे अकेले को यहां फंसा के भागने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि तुझे सबूत मिल गए। इस मामले में बेटा मैं तेरा बाप हूं, और बाप से गद्दारी नहीं। चल चल, उसे मार के उसकी लाश को ठिकाने लगाएंगे। चल चल यार। सनी, लेकिन मैं तेरे चुतिया में तेरे साथ नहीं हूं यार। देख, मुझे घर जाने दे, और मैं मेरी मान तो तू भी घर जा यार, प्लीज समझ बात को। सही कह, ताकि वो पुलिस स्टेशन जाके मेरे खिलाफ सबूत दे दे। हाँ, एक को ठिकाने लगा के आ रहा हूं, दूसरे को लगाने जा रहा हूं, तीसरा मत बन। चल, उसे मार के तुझे मेरे वाला गाना सुनाता हूं। सुनना था ना तुझे? कौन सा था वो? आई एम अ डेस्पो हंटर, आई एम अ डेस्पो। ऐसे कर रहा था ना तू?
चल चल। तो थी यार, यहीं पे थी तो गई कहां पहुंची? ठीक है यार, यार मुझे क्या पता यार, अभी अभी तो यहीं बांध कर गया था मैं। इसका मतलब यहीं कहीं होगी। चल यहाँ क्या कर रहे हैं? ये तो स्टोर रूम है, यहाँ गेस्ट को अलाउड नहीं है। ओह सॉरी। आप लोग काइंडली अपने रूम में जाइए प्लीज। या ओके। प्लीज प्लीज जाइए।
तू वहां देख। Thank you.
पत्र सर। सर सर कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। Thank you.
किस चीज की थी? आवाज मुझे तो नहीं सुनाई दी। अच्छा यार सनी, मुझे नहीं लगता कि वो यहां है। चल उस ओर खोजते हैं। गोदाम में देखते ना, गोदाम। भी जल्दी आना। हाँ हाँ Oh,